wrapped around your soul with no control. You can't breathe when you're drowning under. Hello everyone, I hope all are doing well. This is Hopeman and welcome back to my YouTube channel. तो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरह से हम किसी वीडियो में फेक कैमरा मूवमेंट या फिर हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल कैमरा मूवमेंट ऐड कर सकते हैं एडिटिंग के टाइम में। तो ये वीडियो खासकर उनके लिए जो सोलो फिल्म मेकर है, सोलो ट्रैवलर है और जो अपनी वीडियोस को शूट करने के लिए ट्राइपॉड का इस्तेमाल करते हैं। तो जनरली इस तरह के वीडियोस में कोई भी कैमरा मूवमेंट नहीं होता है, तो हम इस तरह के वीडियोस में थोड़ा बहुत कैमरा मूवमेंट ऐड करने वाले हैं एडिटिंग के टाइम में। तो इसे मैं मोबाइल में एडिट करने वाला और जो मैं एडिटर यूज करने वाला हूँ वो है काइनमास्टर वीडियो एडिटर। तो वीडियो बहुत ईजी होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखना, ज़रा से स्किप मत करना। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इंट्रो। तो सबसे पहले अपने काइनमास्टर को ओपन कर लेना। काइनमास्टर ओपन होने के बाद प्लस वाले आइकन में जाना और 16:9 रेशियो को सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर मैं 3 वीडियो इंपोर्ट करने वाला हूँ जो कि मैंने खुद शूट किया था और ये कोई स्टॉक वीडियो नहीं है। तो अभी तीनों वीडियो इंपोर्ट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें किसी भी तरह का कोई भी कैमरा मूवमेंट नहीं है। इन सभी वीडियोज़ को मैंने अपने स्मार्टफोन से शूट किया था और इन सभी वीडियोज़ को शूट करने के लिए मैंने अपने स्मार्टफोन को ट्राइपॉड में माउंट करके शूट किया था। तो अभी हम इस सभी वीडियोस में अलग अलग तरह के कैमरा मूवमेंट को ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इस वीडियोस के ऊपर और नीचे ब्लैक बार ऐड करने वाला हूं, जिसे आप सिनेमेटिक बार भी कह सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली लेयर में जाना, ओवरले में जाना और कोई भी एक सिनेमेटिक फ्रेम को इम्पोर्ट कर लेना, जिसे कि आप काइनमास्टर के स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। इतना होने बाद पहले वाले वीडियो को सिलेक्ट करना। तो अभी हम इस वीडियो में अपवर्ड कैमरा मोमेंट ऐड करने वाले हैं। तो इसके लिए सिंपली पेन एंड जूम वाले ऑप्शन में जाना। तो यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे हमें, एक स्टार्टिंग पोजीशन का और एक एंड पोजीशन का। तो सबसे पहले स्टार्टिंग पोजीशन को सिलेक्ट करना, वीडियो को जूम करना कुछ इस तरह से और वीडियो को जूम करने के बाद इसे नीचे की तरफ सेट कर देना कुछ इस तरह। इतना होने के बाद एंड पोजीशन को सिलेक्ट करना और इसे भी जूम करके ऊपर की तरफ सेट कर लेना कुछ इस तरह। इतना होने के बाद ओके कर देना। तो अभी वीडियो में अपवर्ड कैमरा मूवमेंट ऐड हो गया है जो कि देखने के लिए बहुत ही कूल लग रहा है। अब हम दूसरे वीडियो में भी कैमरा मोमेंट ऐड करने वाले हैं। इसमें जो हम कैमरा मोमेंट ऐड करने वाले वो है लेफ्ट टू राइट। तो इसके लिए भी सिंपली पेन एंड जूम वाले ऑप्शन में जाना और स्टार्टिंग पोजीशन को सिलेक्ट करना। तो पहले की तरह वीडियो को जूम करके इसे लेफ्ट की तरफ सेट कर देना। इतना होने के बाद एंड पोजीशन में जाना और वीडियो को जूम करके राइट की तरफ सेट कर देना। तो अभी इस वीडियो में लेफ्ट टू राइट वाला कैमरा मोमेंट ऐड हो गया। अभी इसे हम प्ले करके देखते हैं। तो इसी टेक्निक से हम किसी भी वीडियोस में कैमरा मोमेंट ऐड कर सकते हैं। तो अभी हमारा लास्ट वीडियो बचा है, तो इसमें हम एक फॉरवर्ड कैमरा मोमेंट ऐड करने वाले हैं। तो इसके लिए वीडियो को सिलेक्ट करना, पेन एंड जूम वाले ऑप्शन में जाना और अभी स्टार्टिंग पोजिशन को कुछ भी मत करना, जैसे कि वैसे रहने देना। एंड पोजिशन में जाना और एंड पोजिशन में वीडियो को जहाँ तक आपको जूम करना है वहाँ तक जूम कर लेना। और इतना होने के बाद ओके कर देना। तो अभी हमारे इस वीडियोस में फॉरवर्ड कैमरा मूवमेंट ऐड हो गया है। अब इसे हम प्ले करके देखते हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियोस में फॉरवर्ड कैमरा मूवमेंट ऐड हो गया है जो कि देखने के लिए बहुत ही कूल लग रहा है। अब हमारे सभी वीडियोस में कैमरा मूवमेंट ऐड हो गया है, जहाँ कि पहले कोई भी कैमरा मूवमेंट नहीं था, जो कि देखने के लिए बहुत ही कूल लग रहा है। अब हम उसे प्ले करके देखते हैं। तो इसी तरह हम किसी भी वीडियो में जिसमें कैमरा मूवमेंट ना हो
तो उसमें हम एडिटिंग के टाइम में कैमरा मोमेंट ऐड कर सकते हैं। और ये टेक्निक सोलो ट्रैवलर और जो सोलो फिल्म मेकर है उन सबके लिए बहुत ही लाभदायक है।